ये टॉपिक मैंने लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था आधा, क्योंकि उसमें टॉपिक बहुत तवील था, तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक होगा तो लोगों के लिए उसको यानी एस्टिमुलेट करना ज़रा मुश्किल होगा, या उनको समझना और याद रखना मुश्किल होगा। तो मैं कुछ एक दो चीज़ें पिछले टॉपिक की भी इसमें मेंशन करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं आज वाले टॉपिक पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये टॉपिक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे यंगस्टर्स खास तौर पे, यानी हम सब उस फेज से गुजरे हैं लाइफ के, और एक बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, और इसके बारे में वो परेशान रहते हैं कि किस तरह इस मसले को हल किया जाए। कुछ शर्म का पहलू तो बहुत ज़्यादा ही होता है कि किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, और जब डिस्कस करते भी हैं तो उन लोगों से डिस्कस करते हैं जिनकी मालूमात या तो उन जैसे होती है या उनसे भी कम होती है। तो ये कितना यानी कॉम्प्लिकेटेड मसला हो जाता है कि वो बाद में साइकेट्रिक इलनेस की शक्ल अख्तियार कर जाता है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर, जो मैंने आपको भी स्लाइड्स दिखानी है आगे। तो सबसे पहले तो यानी जो चीज अहम है वो ये है कि पहली चीज जो पिछली बार मैंने डिस्कस की थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंसी या मर्दाना कमजोरी, वो क्यों इतनी अहम है। तो ये जिस तरह इसमें शो किया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है ये बाहर नजर आ रहा है हमें, ये वो है जो मर्दाना कमजोरी की शक्ल में नजर आता है, और इसके पीछे जो चीज बहुत बड़ी अंदर छुपी हुई है वो हमें नजर नहीं आ रही है, और ये वो अमराध है जो इस वक्त जिस्म के अंदर छुपे हुए हैं, दिल की अमराज की शक्ल में, गुर्दे के अमराज की शक्ल में, और दिमागी जो जिसे हम लोग बाद में स्ट्रोक की शक्ल में जाहिर होते हैं या फालिज की शक्ल में जाहिर होता है। तो यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना, वो टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। अगर किसी को खुदा खासा ये शुरू होता है, स्पेशली यंग एज में शुरू होता है, तो फिर तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसको आप यानी हंसी मजाक में ना लें, बल्कि इसका इसका फौरन एक इसको यानी इन्वेस्टिगेट करवाएं, और इसको जो है वो चेक करें कि इसकी वजह क्या है, और इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल मुख्तसर सी चीज हो गई इससे रिलेटेड। फिर जो की पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम चार पॉइंट्स थे उसको मैं हाईलाइट कर दिया है कि यानी जो दिल के अमराज होते हैं उनका ताल्लुक यानी वो वाकई इंसान के लिए खतरनाक है, जो कि मेरे ख्याल से इसमें कोई दो बातें नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 19% जो डेथ्स होती हैं उसका ताल्लुक दिल के अमराज से है। अगर हर 100 आदमी मर रहे हैं किसी वक्त, तो उनमें से तकरीबन 20 लोग जो हैं, 19 से 20 लोग जो हैं, वो दिल के अमराज से मर रहे हैं, और उसके अंदर भी पिछले 3 साल में बहुत यानी शिद्दत से इजाफा हुआ है पिछले 3 साल के अंदर। उसकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ एक लगातार एक यानी बढ़ती जा रही है। फिर जो मर्दाना कमजोरी का ताल्लुक दिल की बीमारियों से क्या है, वो बहुत अहम है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि दिल की जो शरियाने होती हैं और पेनाइल वेसल्स जो होती हैं ये काफ़ी छोटी होती हैं। पेनाइल वेसल्स सबसे छोटी होती हैं इन वेसल्स के अंदर अगर कंपेरेटिवली देखा जाए, तो इसलिए सबसे पहले इफेक्ट उस पर पड़ता है, फिर दिल की शरियानों पे असर पड़ता है, तो लोगों को चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, और इसके बाद फिर गुर्दे की, फिर दिमाग की, फिर टांगों की, जो हमारे जो पाँव हैं उनकी जो शरियाने हैं, चल लोगों को चलने में मुश्किल पेश आती है, उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक 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 तरह से शेड्स हैं एक बीमारी के, मुख्तलिफ वक्त में जाहिर हो रहे होते हैं। आज के जो टॉपिक है मेरे, वो दो जो है वो ये है, प्री मेच्योर इजेकुलेशन और धात सिंड्रोम। ये चीज़ यानी जो धात सिंड्रोम है खासतौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका असर हमारे यंगस्टर्स पे पड़ता है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि इसको यंगस्टर्स जो है हमारे बहुत कसरत से अटेंड करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसमें जो है अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये अवेलेबल होगी वीडियो, बाद में जाके वो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं और हमारी जो साइट है उस पर भी जाके देख सकते हैं। ये मैंने कुछ स्लाइड्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, आप हर जगह पे देखते हैं इस तरह की स्लाइड्स। इसमें कोई भी मर्ज जो है वो पोशीदा नहीं होता, जो जिस्म का जो हिस्सा है वो सबका सब उसका इलाज होगा, तो वो ऐसी चीज़ नहीं जिसको पोशीदा कहा जाए, और उसको लोग गलत तरीके से इलाज करा के पेचीदा जरूर कर देते हैं, बाद में उसको कॉम्प्लिकेट जरूर कर देते हैं कि बाद में गुर्दे खराब हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है दवाइयों का गलत इस्तेमाल करने से, क्योंकि उसकी कोई
कोई फीडबैक नहीं होता, उसको कोई फॉलो नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी तकलीफ देह है कि इसको किस तरह किया जाए। और ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और इस चीज़ को कंट्रोल लाजमी होना चाहिए। अब ये बेइंतहा यानी मुख्तलिफ तरह के आपको एक चीजें नजर आएंगी, दीवारों पे लिखी हुई, इश्तहारों पे लिखी हुई। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आधा से ज्यादा मुल्क जो है वो इसी मर्ज में मुबतला है और इसी के इलाज हो रहा होता है। प्री मेजर एजुकेशन जिसे हम लोग सूरत अंजाल भी कहते हैं, वो क्या चीज है? मैं उसको बहुत ही यानी क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है आम पब्लिक के लिए, तो इसमें यानी जो आप सेक्चुअल एक्ट करते हैं विद इन अ मिनट अगर आप इससे फारिग हो जाएं, तो ये इस डेफिनेशन में आता है। एवरेज टाइम जो सेक्सुअल एक्ट का होता है वो अबाउट 6 मिनट्स तक होता है, बिटवीन 5 to 6 मिनट्स। वैसे तो इसकी जो रेंज है वो अप टू हाफ एन आवर 40 मिनट्स भी होती है, लेकिन वो एक एक डिफरेंट यानी जो कह लें आप पैरामीटर्स हैं उसके अंदर इसको किया है, लेकिन एवरेज अबाउट 6 मिनट्स है। तो उससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो सबसे अहम प्रॉब्लम है वो ये कि खुद मर्द सेटिस्फाई नहीं होता और दूसरी बात ये कि बीवी इससे सेटिस्फाई नहीं होती है, और उसकी वजह से यानी कपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन सी डेवलप हो जाती है। अच्छा, वो टेंशन जो होती है हमारे घराने के अंदर, इसको जो है वो लोग मुख्तलिफ चीज़ों के नाम देते हैं, कोई सेटल नहीं हो रहे, माहौल सही नहीं है घर का, इसलिए बात नहीं बन रही है, लेकिन असल ये भी होती है कि बेडरूम का माहौल इतना मुनासिब नहीं होता और उसकी वजह से उसको एड्रेस नहीं किया जाता। देखे ना, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को खांसी हो रही है तो वो दवाई जाके लेगा, किसी को अगर बुखार है तो वो उसको देखेगा कि मुझे बुखार है, मैं इसको किस तरह इलाज कराऊं। लेकिन इस मर्ज को या इस चीज़ को लोग जो है वो सीरियसली नहीं लेते हैं, वो समझते हैं कि ये इसकी कोई खास अहमियत नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर या हमारी बीवी की ज़िंदगी के अंदर। उससे जो फीमेल जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और उसकी वजह से बेचारी यानी एक तो हमारे माशरे में फीमेल को बहुत ज्यादा यानी वो एक जैसे कहते हैं कि शर्म का पहलू बहुत है, और दूसरी चीजें वो इस चीज को सामने आके कह भी नहीं सकती हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ फीमेल ऑब्वियसली रिलेटिवली ज्यादा ब्रेव होती हैं तो वो इस चीज को अपने अपनी वालदा से या अपनी बहनों से डिस्कस करती हैं, तो फिर वो चीज सामने आ जाती है। तो इसमें यानी जो एक और चीज अहम है वो ये कि जो मर्दों को सिर्फ फीमेल्स की जिनसी जरूरत को नहीं देखना चाहिए बल्कि उनकी और सेक्सुअल नीड्स है उसको भी देखना चाहिए कि उनको क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ को वो बेहतर समझती हैं, किस चीज़ को वो बेहतर तरीके से करना चाहती हैं। तो उसमें ये कि एक जिसे कहते हैं बाहमी मुशावरत या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो उससे ये कि वो चीज़ जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। ये तो इसका एक पहलू हुआ। इसका जो कभी कभी इस यानी सूरत अंजाल के अलावा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि मर्दाना कमजोरी होती है, इलेक्शन ही नहीं हो रही होती। अब वो इलेक्शन ना होने की वजूहत मैंने पिछली बार भी बताई थी कि दो तरह की मोटी मोटी वजूहत होती हैं। एक तो ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई, दवाइयों का इस्तेमाल है उसके कैसे हो रहा है। और दूसरा ये होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल के अंदर ये होता है कि किसी वजह से वक्ती तौर पर हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के अंदर ये चीज़ शुरू हुई, फिर ऐसा ऐसा वो ठीक हो गई, तो इसको हम साइकोलॉजिकल कहते हैं। इनमें दोनों में फ़र्क करने का जो आसान तरीका था वो मैं फिर बताता चलूँ कि सुबह के वक्त नॉर्मल हालत के अंदर इरेक्शन होती है जो कि आप महसूस कर सकते हैं कि इरेक्शन बहुत मुनासिब है, अच्छी है। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है अलहमदुलिल्लाह, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको दवाइयों के जरिए या फौरी तौर पर कोई अटेंड करने की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपको सुबह के वक्त इरेक्शन नहीं हो रही, यानी आप महसूस करते हैं कि सुबह उठते हैं तो इरेक्शन नहीं होती है या उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आम हालात में थी, तो फिर आपको जो है इसका यानी इसकी तरफ ज़्यादा जल्दी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर सुबह के वक्त इरेक्शन अच्छी है और जब आप वाइफ के पास जाते हैं तो वो इरेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसको डिफरेंट तरीके से अटेंड करना चाहिए और डिफरेंट तरीके से इसको लेके चलना चाहिए। तो ये यानी एक तो ये चीज़ होगी कि ये हिस्सा यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की तरफ लीड करता है एंड वाइस वर्सा। सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये स्पेशली जब
नई नई शादी हुई होती है तो उसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि लोगों की फेमिलियरिटी नहीं होती, एनवायरनमेंट बिल्कुल नया होता है, जो आपका वाइफ जो होती है वो आपके लिए बिल्कुल नई होती है, तो इसलिए वो सारी चीजें एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में हो रही होती है, तो वो एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी अपनी जगह पे होती है कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके अलावा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अब मिसाल के तौर पे आपके वाइफ के साथ आपके ताल्लुकात किसी भी वजह से इतने खुशगवार नहीं है, उसका रीजन जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, उसका रीजन आपकी जहनी मुताबिकत नहीं है एक दूसरे के साथ, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं है आपके और आप उनके साथ बहुत जबरदस्त सेक्स परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये कह दे कि जी हम लोगों के आपस में ताल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं है लेकिन हम सेक्सुअल पार्टनर बहुत अच्छे हैं, तो ये ऐसा कम देखने में आता है। इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये प्री मेच्योर इजेकुलेशन जो चीज है इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसके मैनेजमेंट के बिल्कुल तरीके मौजूद हैं और इसको अगर प्रॉपरली आप अटेंड करें तो इसके लिए आप कामयाबी से इसको अटेंड कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कि फोर प्ले, उसका मैं कोई बहुत ज्यादा उर्दू में तर्जमा जो है मुझे कोई समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तो एक तो ये चीज है जो कि आप यानी एक रीजनेबल टाइम के अंदर के लिए फोर प्ले करें, ताकि यानी आप और आपकी जो वाइफ या सेक्सुअल पार्टनर है वो इससे प्रॉपर स्टिमुलेट हो सके। और दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि खास पोजिशन में आप जल्दी फारिग हो जाते हैं तो आप उस पोजीशन को चेंज कर लें, फीमेल जो आपकी वाइफ है उसके साथ डिस्कस करके, और उसके बाद आप उस पोजीशन को चेंज करने से भी आपको काफी फर्क पड़ सकता है। ये एक आसान सी चीज है जिसको आप यानी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसे खास यानी टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सबसे पहली चीज है जिसको आपको ट्राई करना चाहिए। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, ये एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली हम प्री मेच्योर इजेकुलेशन के लिए उनका साइड इफेक्ट यूज करते हुए यूज करते हैं। ये मतलब नहीं है कि इसको एंटी डिप्रेसेंट देना चाहिए ताकि उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, ऐसी बात नहीं है, ये वो डिप्रेस है आदमी, बल्कि हर एंटी डिप्रेसेंट का जो एक हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, जैसे आपके में है, तो एंटी डिप्रेसेंट का जो साइड इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि ये इजेकुलेशन को प्रोलॉन्ग कर देता है। तो उसमें जो एंटी डिप्रेसेंट मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल उनके अंदर भी ये साइड इफेक्ट है और उसको लोग यूज करते हैं, उसमें मुख्तलिफ दवाइयाँ लोगों ने इस्तेमाल करके देखी हैं और उसके अंदर लेकिन उसके अपने यानी उस साइड इफेक्ट को यूज किया जाता है इस फायदे के लिए, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसको मुस्तकिल इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो उसके अपने मुजिर असरात डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पर हम इसको ऑन डिमांड देते हैं, ऑन डिमांड का मतलब ये है कि जब आपको हमिस्ट्री करनी हो उससे पहले आप ये दवाई ले लें और उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो दवाई लिखी हुई है डेपोक्सिटिन, ये दवाई जो है ये बकायदा इस चीज के लिए प्रिपेयर की गई है, मतलब ये लाइसेंस्ड मेडिकेशन है फॉर प्री मेच्योर इजेकुलेशन और ये उसी ग्रुप की एक दवा है, लेकिन इसके अंदर एक तो साइड इफेक्ट रिलेटिवली कम है और दूसरी ये कि इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। तो ये डेपोक्सिटिन मार्केट में अवेलेबल है और इसकी डोज जो है वो 30 से 60 मिलीग्राम है, आमतौर पर 30 मिलीग्राम से शुरू करते हैं और बाद में इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को लो करती है, इसलिए इसको थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर तीसरी चीज जिसके बाद है वो लोकल एनेस्थेटिक स्प्रे है, ये मुख्तलिफ स्प्रेस के नाम से आती है लेकिन बेसिकली इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक होता है या जेल होती है जो एमला के नाम से अवेलेबल है, ये भी लोकल एनेस्थेटिक होता है, इसके अंदर भी जेल होता है, इसको आप यानी अप्लाई करें टिप ऑफ द पेनिस के ऊपर, लेकिन वो आप अप्लाई करें एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर बिफोर इरेक्शन, क्योंकि अगर आपने इरेक्शन के वक्त उसको अप्लाई किया तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी काम नहीं करेगी और इसकी वजह से लोग अक्सर बाद में रिपोर्ट भी करते हैं कि इसका फायदा नहीं हुआ। तो उसको अप्लाई करने के लिए जरूरत ये है कि आधे घंटे से घंटे पहले आप उसको अप्लाई करें ताकि उसका इफेक्ट हो सके। दूसरा ये एक ट्रेमाडोल टैबलेट, ये ट्रेमाडोल टैबलेट जो है ये दर्द के लिए इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान में भी है और दुनिया में हर जगह पे अवेलेबल है, यहाँ पे यूके के अंदर ऑब्वियसली दवाई जो है वो आपको ऐसे काउंटर पे नहीं मिलेगी जैसे पैरास्टामोल वगैरह या आइबुप्रोफेन मिल जाती है, तो लेकिन ये ट्रेमाडोल टैबलेट के अपने साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं,
लेकिन ये भी यूज की जाती है, और ये एक उसका साइड इफेक्ट है तो दर्द की दवाई है और बड़ी इफेक्टिव दर्द की दवाई, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि उसको आप यूज कर सकते हैं प्री मेच्योर इजेकुलेशन की ट्रीटमेंट के अंदर। और PDE5 ये वो मेडिकेशन है जो मैंने पहले डिस्कस की थी लास्ट टाइम, कि जिसमें वायग्रा के नाम से अवेलेबल है या लेविट्रा के नाम से या किसी और नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो ये वो दवाइयाँ जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, ये भी प्री मेच्योर इजेकुलेशन को हेल्प करती हैं इरेक्शन बेहतर करने की शक्ल में। तो बॉटम लाइन ये है प्री मेच्योर इजेकुलेशन का कि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, इसके लिए आपको अपने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस भी करना चाहिए, उसको एतमाद में भी लेना चाहिए, और ये दवाइयाँ जो हैं आपको डॉक्टर से मिल जाएंगी। हकीमों के पास या सन्यासी लोगों के पास जाने का नुकसान ये होता है कि उनकी दवाइयाँ जो होती हैं उनकी वो साइंटिफिक बेसिस नहीं होती हैं, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं उसको साइंटिफिकली फिर आप ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। अब आजकल हमारे मुल्क में जो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, मतलब शुगर हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, गुर्दे की तकलीफ हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, उसकी वजूहात में से जो सबसे बड़ी वजह है, एक बड़ी वजह यह कि हमें जो दवाइयाँ मिलती हैं मुख्तलिफ ज़राए से वो हमें उसका पता नहीं होता। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ये धात सिंड्रोम, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंड्रोम है, और ये मतलब मैंने पाकिस्तान में जब भी प्रैक्टिस किया और अभी रिसेंटली भी मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ पे भी अभी तक लोग इसको जिक्र करते हैं, और ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एंटिटी बन गई है, इसको बकायदा ICD क्लासिफिकेशन में इसका नाम दिया गया है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये प्रेवलेंट होगी। ये अबाउट समझ लें कि 30% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट ऑन एन एवरेज। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये कंडीशन इज फाउंड इन कल्चर ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन विच मेल पेशेंट्स रिपोर्ट दैट दे सफर फ्रॉम प्री मेच्योर इजेकुलेशन और इम्पोटेंसी एंड बिलीव दैट दे आर पासिंग सीमन इन देयर यूरिन। बहुत कॉमन है कि जी वो हमारे जो पेशाब है उसमें मनी निकलती रहती है जिससे हमारी कमजोरी हो गई है। ये इतनी कॉमन चीज है कि इसको आप यानी जितना भी इसका मेंशन करें वो कम है। यंग लोगों में स्कूल के अंदर जो लोग होते थे या कॉलेज के अंदर जो लोग होते थे इसके बारे में बहुत फिक्रमंद और परेशान होते थे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो फिर उस जमाने में हकीमों के पास जाना शुरू कर देते थे, वहां से जो है वो चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती हैं। इसके अंदर जो एजुकेशन लेवल लोगों का जनरली कम होता है जो इससे जो इसको डील कर रहे होते हैं, तो इस चीज के लिए और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये एक मिथ है, ये मुझे याद है कि यानी मैंने भी इसको सुना था बहुत पहले, कि ये बिल्कुल एक यानी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इसकी लॉजिक नहीं है, लेकिन ये इतनी कॉमन है कि ये इसको लोगों ने याद किया हुआ है, समझ लें ऐसा जैसे कोई चीज़ याद करने की हो। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया कि जी खून का इतना खून इतने खून से ये एक कतरा जो है वो सीमेन का बनता है, तो इसलिए इसमें बहुत ताकत ज़ाया हो जाती है इंसान की, बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी हो जाती है। और यहीं से जो प्रॉब्लम होता है वो आमतौर पर जो नॉक्टर्नल एमिशंस होते हैं यंगस्टर्स के अंदर जब वो बालिग होते हैं तो उनको ये परेशानी शुरू होती है कि हम तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी इसको रिवर्स करना जो है वो अननेचुरल होगा, लेकिन इसको यानी इसको जिस तरह चल रहा है उसको चलते रहना चाहिए, नेचुरल है। आप बस ये कर सकते हैं कि अपनी अपनी जो नॉर्मल फिजिक एक्टिविटीज हैं उनको आप थोड़ा सा बेहतर करें, यू शुड बी मोर मतलब फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो दें, आपकी हेल्दी ईटिंग्स हों, इसके अलावा आप कोई ऐसी वीडियोस या चीज़ें ना देखें जिससे आप सेक्सुअली स्टिमुलेट हो। ये तो वो चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद यानी जो लोग हर वक्त अल्लाह ताला की याद में रहते हैं या जो मुख्तलिफ वक्तों में यानी किसी किस्म की बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते उनको भी ये होता है, और कुछ लोगों को जो है बहुत बाकायदगी से होता है। तो ये इसके लिए कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बॉटम लाइन ये है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाता है। ठीक समझ समझ लीजिए कि शादी हो जाती है, कोई ज़रूरत आप अपनी बीवी के साथ पूरी कर लेते हैं, तो इसलिए उसका कोई इतना आपकी सेहत पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता, और इस चीज़ को आप जहन में रखें।
मैंने यहाँ मेंशन किया कि ICD-10 ये एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, उसके अंदर ये एक एज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर उसका कोड दिया गया है, एंड अ कल्चरल स्पेसिफिक डिसऑर्डर के तौर पर भी दाखिल किया गया है उसके अंदर, क्योंकि इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है और पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है हमारे यंगस्टर्स के ऊपर। मैं बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश, मेरी कोशिश है कि ये चीज़ लोगों के सामने आए और इस चीज़ को वो किसी तरह समझ सकें। इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, मतलब आपके सामने सब लिखे हुए हैं ये। फटीक, टूटा टूटा जिस्म रहता है, खाने को दिल नहीं चाहता, लगता है कि जिस्म में ताकत ख़त्म हो गई है, आप काम करने में स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर दिल नहीं लगता, पढ़ाई के अंदर चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा आपको कोई यानी मूड की स्विंग्स होती है, कभी कोई बहुत डिप्रेस सैड हो जाते हैं, कभी आप यानी लगता है कि आप समझ जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और ये चीज़ बहुत कॉमनली आपको यंगस्टर्स में मिलेगी जो अपने आप को बिजी नहीं रखते या बहुत अपने आप को ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करते इस चीज़ के अंदर। ये किसका यानी ट्रीटमेंट की एक ओवरऑल पिक्चर मैंने दी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, लेकिन इसमें मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी और यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और इसमें जो है आप यहाँ पे जो है लोग जो है वो ट्रेडिशनल फेथ हीलर्स के बाद भी जाते हैं, और इनकी मिलकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। इनका रोल जो है यहाँ पे वो ये है कि उनको अगर लोग जा ही रहे हैं उनके पास और आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम इतना वेल इक्विप्ड या वेल डेवलप्ड नहीं है, तो एटलीस्ट उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए ताकि उनको उनको जब ये अगर उनसे कोई दवाइयाँ ले भी तो वो दवाइयाँ दें जो कि वाकई इस काम के लिए यूजफुल हैं, वो ऐसी दवाइयाँ ना दें जो कि इस काम के लिए यूजफुल नहीं है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो सेक्स एजुकेशन है, कि आप जो है वो लोगों को बताएं कि जब बालिग आदमी लड़का होता है तो उसको नॉक्टर्नल एमिशन शुरू होती है और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अगर किसी की अगर 18-19 साल की उम्र में शादी हो जाए और उसके बाद उसके यहाँ शायद औलाद भी होगी तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वही अमल जो नॉक्टर्नल एमिशन में सीमन की शक्ल में निकलता है वही वाइफ के साथ इंटरकोर्स में भी निकलता है, उसमें कोई मर्दाना कमजोरी का एलिमेंट नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इससे वीकनेस हो जाती है वो ठीक नहीं है, मतलब असल बात ये है कि यानी वो जो एक यानी अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, आप नॉर्मली जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपकी लाइफ पे नॉक्टर्नल एमिशंस का और इस दहाद के निकलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। और दहाद तो एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है कि जी ये हो रहा है, हालांकि ये चीज़ बेसिकली कुछ लोगों की प्रोस्टेट सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं जो कि पेशाब की शक्ल में निकलती हैं, पेशाब के साथ निकलती हैं, तो उससे थोड़ा सा पेशाब का कलर चेंज होता है, लेकिन उसके लिए आप और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से चीज़ हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर लूज स्टूल के साथ ये चीज़ हो जाती है, तो ये इसको बस ओवरकम करना चाहिए, यानी इस चीज़ के बारे में इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्रमंद होने की वजह से ये होता है कि फिर आप उसके उसी के गिर्द घूमते रहते हैं, उसी के गिर्द घूमते रहते हैं और इससे हमें हम बाहर नहीं निकल सकते। दूसरा ये कि रिलैक्सेशन थेरेपी, या आप मैंने मेंशन किए जैकबसन्स प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, ये एक तरह से रिलैक्सेशन थेरेपीज हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर मेडिकेशंस हैं, क्योंकि सिर्फ रिलैक्सेशन थेरेपी से काम नहीं चलेगा, अगर आप किसी को सिर्फ ये कहेंगे ये कर लो जाके वो कर लो उसको एजुकेट कर दो तो वो मुतमईन नहीं होता, ये तो मेरी कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब तक आदमी जब तक डॉक्टर से दवाई ना लेना उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलता कि ये तो डॉक्टर ऐसे ही है इसने कोई दवाई तो दी नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है तो इसमें भी आपको और इसमें तो लाजमी आपको दवाई देनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि मरीज को मुतमईन करने के लिए, बल्कि कुछ के साथ जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनको एंगजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, इस वजह से ये चीज़ें जाहिर हो रही होती हैं, उसमें आप उनको दवाइयाँ स्टार्ट करें और उसको आप प्रॉपर अगर वो एक चीज़ मुस्तकिल बुनियादों में चल रही है तो उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, साइकोथेरेपी के लिए भेज सकते हैं आप, उसको आप साइकेट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई परेशान या घबराने वाली बात नहीं है। ये नहीं कि खुदा खाता हम उसको कह रहे हैं कि वो ज़हनी तौर पर वो कोई
उसको कोई प्रॉब्लम आर्जा लाहक है या उसको कोई बीमारी है, बल्कि ये सिर्फ इसलिए कि उसके दिमाग से इस चीज को निकाला जा सके किसी तरह, कि जो चीज ये हो रही है वो चीज नुकसानदेह नहीं है बल्कि वो एक एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, इसलिए उसके अंदर जो है उस चीज को वो समझ सके और उसको कंट्रोल कर सके। ये मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी, आम दिनों के बारे में रिलेटिवली मुख्तसर है। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो, और अगर क्वेश्चन नहीं भी हो तो आप इसको सुन सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप वैसे पूछ सकते हैं ईमेल के जरिए, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कई लोग इसमें क्वेश्चन करने में थोड़ा सा वो महसूस होगा, लेकिन बार आप क्वेश्चन करें। जाकर